दिया है। बार बार मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि ये तब संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब 14 में देशवासियों ने उनको मौका दिया तो माइनिंग के क्षेत्र में जो जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था बिहार प्रदेश, उसको उन्होंने सरल बनाया। मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खनिज विकास दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिन बहुत सुनहरा होगा। बिहार के बेरोजगारों में जल्द काम शुरू, बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ खबरें बिहारवासियों को मिलेगी। छोटे बड़े सारे पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, कहीं इस तरह की संलिप्तता आती है, आपके माध्यम से अगर उजागर किया जाता है तो औचक उसकी जाँच भी कराई जाती है, छापामारी भी है। आपने देखा होगा अभी अभी छपरा में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है, JCB हाइवा अरेस्ट किया गया है, जब्त किया गया है। अभी अभी औरंगाबाद में परसों का DMS ने संयुक्त छापामारी किया है। बिहार के तमाम अधिकारी संयुक्त जिनकी जवाबदेही दी गई है उन लोगों ने लगातार छापामारी करते हैं, हाइवा ट्रक JCB जब्त भी करते हैं, FIR भी करते हैं, जो इसमें संलिप्त रहता है उसको जेल के सलाखों में भी डाला जाता है। तो मुझे तो खुशी होती है आप लोगों ने कहीं इस तरह के गैर कानूनी काम होता है आप लोग दिखाते भी हैं और उस पर त्वरित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं। अगर इस तरह की कहीं बातें आती है तो प्रशासन हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठी हुई है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारी और पदाधिकारी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश को जाएगा। क्रोमियम निकल जो औरंगाबाद के धरती पर और पोटास 3 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक जो है कि क्रोमियम निकल का था, वो टेंडर के प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लेंगे। आपने जमुई में सोनो प्रखंड में जो 44% सोना मिलने की जो बातें आई थी उस पर भी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी मुझे तो खुशी होती है। बार बार मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि ये तब संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब 14 में देशवासियों ने उनको मौका दिया तो माइनिंग के क्षेत्र में जो जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था बिहार प्रदेश, उसको उन्होंने सरल बनाया। पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करके बिहार माइनिंग क्षेत्र को सरल बना करके आज GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दो कामें कर रही है, जो तमाम संभावनाएं बिहार में आज दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खनिज विकास दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिन बहुत सुनहरा होगा। बिहार के बेरोजगारों में जल्द काम शुरू, बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खुशखबरी बिहारवासियों को मिलेगी। क्या वहां से निकलेगा और कितना फायदा होगा? क्रोमियम निकल जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में आयात कराया जाता था, जो मोबाइल में जहाज में उसका उपयोगिता होती है, और पोटास में जो खाद की किल्लतें होती है, आज भी भारत में पोटास के हम कहीं दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन आज भारत के धरती पे अपार कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों के माध्यम से जो अवैध खनन होता है आप लोगों ने त्वरित उजागर भी करते हैं। खुशी इस बात की होती है कि बिहार सरकार या विभाग के अफसर अधिकारी जिसको जवाबदेही जिम्मेवारी दी गई है, जिले के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, खनिज विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये छोटे बड़े सारे पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, कहीं इस तरह की संलिप्तता आती है, आपके माध्यम से अगर उजागर किया जाता है तो औचक उसकी जांच भी कराई जाती है, छापामारी भी होता है। आपने देखा होगा अभी अभी छपरा में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, JCB हाइवा अरेस्ट किया गया है, जब्त किया गया है। अभी अभी औरंगाबाद में परसों का DMS ने संयुक्त छापामारी किया है। बिहार के तमाम अधिकारी संयुक्त जिनकी जवाबदेही दी गई है उन लोगों ने लगातार छापामारी करते हैं, हाइवा ट्रक JCB जब्त भी करते हैं, FIR भी करते हैं, जो इसमें संलिप्त रहता है उसको जेल के सलाखों में भी डाला जाता है। तो मुझे तो खुशी होती है आप लोगों ने कहीं इस तरह के गैर कानूनी काम होता है आप लोग दिखाते भी हैं और उस पर त्वरित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं। अगर इस तरह की कहीं बातें आती है तो प्रशासन हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठी हुई है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उन अधिकारी और पदाधिकारी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिन रात अवैध बालू खनन न हो उसके लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार अभी अभी NDA के प्रत्याशी मुरुज जी आई थी और जो विपक्ष में अगर होंगे तो मुझे लगता है कि
ये पक्ष विपक्ष की सवाल नहीं है। जो एनडीए के प्रत्याशी को जिस दल के अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो सीधे इस देश के दलित और आदिवासी विरोध में उनका संदेश जाएगा। जिन लोगों ने गरीब दलित शोषित समाज की बात करने वाले कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम ले लेकर के राजनीतिक दल बना करके अपने परिवार को कद बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, धन्य है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कि तमाम महापुरुषों को नाम ले करके ही नहीं, उनकी बताए हुए रास्ते पर अगर कोई काम कर रहा है। जो उदाहरण स्वरूप इसके पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भी रहे, आज आदरणीय मुर्मू जी को पार्टी ने कैंडिडेट बना करके सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने के लिए कटिबद्ध है। ये सभी दल के लोगों को अपार संभावना और अपार प्यार सन्ने मुर्मू जी।